तो भक्तों, आज ये मेरा श्री नरेंद्र चंचल जी मूर्ति स्थापना में दूसरा भाग का वीडियो है। पहले भाग का वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों ने उसको शेयर करा, ग्रुप में देखा, और कुछ लोगों के बहुत लोगों के फ़ोन भी आए जिनमें उन्होंने कहा कि शकुल जी बहुत अच्छा प्रयास रहा। और हम एक चीज़ को जिसको भूल ही गए थे, अपने पापा जी श्री नरेंद्र चंचल जी की यादों को, उनकी मूर्ति स्थापना को एक तरह से उनको याद ही नहीं था, वो चीज़ उनको रिमाइंड होगी दोबारा से। तो भक्तों, कहने की बात यह है कि देखिए, एक पूरी सदी का, जिसे कह सकते हैं 50 साल, जिन्होंने गायन किया और इतनी सुंदर सुंदर भेंटें गा दी कि भाई आप और हम उसको मतलब गुनगुनाते हैं तो आज हमारे मन खुश हो जाते हैं। जैसे कि वो, तो तेया मन मो तेया तू माँ दे द्वारे जा, मैया नु संदेश मेरा देवी तू सुना, ओ मेरी रानी माँ मैं उसदा सेवक हाँ। तो ये इतनी सुंदर सुंदर भेंटें अलग अलग तरीके से एक ही भेंट को इतनी इतनी तरह से गा देना, ऐसा तो कोई लेजेंड ही कर सकता है, और वो पापा जी सच में लेजेंड थे। भक्तों, एक चीज़ देखी गई है कि मैं झंडे वाले माता मंदिर में कई बार गया, लेकिन अब वहाँ पर जब भी जाता हूँ, मैं किसी भी टाइम चले जाऊँ, मतलब सुबह जा रहा हूँ शाम को जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहती है कि ये सोना चांदी का दान इधर करें और पंडित जी को संपर्क करें, कुछ ऐसी सी अनाउंसमेंट होती है। वहाँ पर पापा जी की भेंटें ही नहीं चल रही हैं, और जबकि पापा जी की भेंटें झंडे वाले माता मंदिर के बारे में इतनी इतनी भेंटें हैं, वो झंडे वाली माँ के सेवादारों आज अष्टमी है, इतनी इतनी सुंदर भेंटें उन्होंने गा दी झंडे वाले माता मंदिर के लिए, कालका जी मंदिर के लिए। तो उनकी इतनी सुंदर सुंदर खजाने तो फ्री हैं। ये मंदिर प्रशासन को भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की भेंटें लगातार चलाएं। लोग तो अपने आप दान कर जाएंगे जब उनका हृदय अपने आप मतलब एक एक तरह से मतलब आह्लादित होगा, तो वो अपने आप ही दान कर जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। भेंटें चलाओ तो सही, एक माहौल तो बने, आनंद तो आए कि हम मंदिर में आए हैं पापा जी की यादों के साथ। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ये भी आपको सबको कहना चाहूँगा, और फिर दोबारा से मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, चर्चा कीजिए अपने आसपास जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं, उनको पापा जी की मूर्ति स्थापना के विषय में कहिए, और छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं, जो मैं देखता था कि पापा जी के साथ इतने इतने लोग आते थे, उनके अपने अपने भी मंदिर हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, शंकर भूटानी भैया जी से भी बात हुई, और भी बहुत लोगों से, दीपक उप्पल भैया से, मोहन भयाना भैया से, कईयों से मेरी बात हुई है। उन छोटे छोटे मंदिरों में स्थापना के लिए भी जो पहले इतने सारे लोग आके आसपास बैठ जाते थे स्टेज के पापा जी के, वो सब कहाँ हैं? वो सब ये क्यों देख रहे हैं कि कोई और पहल करे? देखिए, मैं तो पहल कर रहा हूँ और बार बार आपके सामने निवेदन करता हूँ, वीडियो भी डाल देता हूँ, लेकिन आप सबका भी तो ये फ़र्ज है कि देखिए, आज हम हैं कल नहीं होंगे, कोई अमर तो है नहीं, तो पापा जी को जाके शक्ल तो दिखानी है, तो कुछ अच्छा करके जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, कि अच्छा वो पापा जी भी कहें चलो एक मूर्ति स्थापना आपने स्मृति तुसी साड्डी लगवा दीती है, ऐवें वो कहेंगे हैं जी। तो ये चीज़ भी तो एक बहुत ज़रूरी है। पापा जी जिन दिन रात हम जिनको कहते थे, जिनकी भेंटों का आनंद लेते, जिसके यहाँ पे जाके हमारा सैड मूड इतना खुश हो जाता था, आनंद आता था, और पापा जी के मजाक आपने देखे होंगे, कभी कभी वो छोटे छोटी बात पे किसी को कुछ भी कह देते थे, हंसी मजाक हो जाता था वहाँ पे। तो ऐसी ऐसे जागरण, ऐसी चीज़ें तो अमर हैं, इनको यादें मतलब इन यादों का कोई मूल्य नहीं है, और इसको जब हम किसी मूर्ति के रूप में किसी मंदिर में स्थापना करवाएंगे ना भक्तों, तो वो एक ऐसा मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आने वाली जनरेशन उसके बारे में जानना चाहेगी, और बड़ा मतलब खुश होगी, आह्लादित होगी। कालका जी मंदिर में भी देखिए, इतनी सारी जगह है, एक छोटी सी जगह का ही प्रयास करना है बस। तो आगे आने वाली मीटिंग के लिए मैं आप सबको अपडेट करूंगा, कोशिश की जा रही है कि एक मीटिंग भी हम इस बारे में संपन्न करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि पापा जी के जितने भी चाहने वाले, मैं तो बहुत दूर दूर तक उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने विचार आपके सामने रख देता हूँ। तो जितने पापा जी के साथ बैठने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले, दिन रात उनके घर जाने वाले लोग हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कि उनकी मूर्ति के लिए प्रयास करें। ये एक जने का प्रयास नहीं है, आप सबका प्रयास है पापा जी के लिए। आशा करता हूँ मेरी ये भावना आप समझ गए होंगे दोस्तों, और हाथ जोड़ के माता रानी की ये सेवा पापा जी के लिए आप कर देंगे। जय माता दी।